हेलो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रिलेटर के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटर क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, उससे कितने हम लोग के मिलते हैं साइड, कितने एंगल मिलते हैं और उनमें रिलेशन क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटर होता क्या है। तो स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटर उसे कहते हैं, यानी हिंदी में से कहते हैं हम लोग चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटर मीन्स क्या होता है? चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? अगर हिंदी में हम लोग देखें चतुर्भुज, तो चार भुजाओं से जो आकृति घिरी होती है उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि आप लोग अगर हम देखें दिखाएं तो ये आकृति एक है, चार भुजाओं से घिरा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे चतुर्भुज। क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल आप लोग बहुत से सुने होंगे, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रेपेज़ियम होता है, अन्य बहुत से क्वाड्रिलेटरल होते हैं। लेकिन ये कब होते हैं, कैसे इनके नाम आते हैं, ये सब इन सब को हम बताएंगे आज। तो हमने ये जान लिया कि क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं, यानी कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, जो आकृति, यानी कौन सी आकृति, जो आकृति किससे बनी होती है, रेखाखंड से बनी होती है। किससे? रेखाखंड से जो आकृति बनी होती है और वे चार भुजा से बनी होती है, यानी चार रेखाओं से घिरी होती है जो आकृति, उसे हम लोग कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। क्वाड्रिलेटर के क्या होते हैं? चार भुजाएं होती हैं और चार क्या होते हैं? कोण होते हैं, है ना? चार कोण होते हैं इनके, चार कोण। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी, तो हमें दिख रहा है कि एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है और एक डी सी भुजा है और एक ए डी भुजा है, यानी चार भुजाएं हैं। कोण के बारे में देखा जाए तो क्या होगा, एक कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है, चार कोण यहाँ पे है। और यहाँ पे एक और टर्म आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण में होता है डायगोनल। डायगोनल हम लोग किसे कहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं डायगोनल किसे कहते हैं, देखिए जब किसी भी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाते हैं, जब किसी भी चतुर्भुज के या फिर किसी भी कोई भी फिगर हो उनके विपरीत शीर्षों को जब मिलाएंगे तो हमें मिलता है डायगोनल। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास दो ही पेयर क्या है, विपरीत शीर्ष है। एक कौन है? ए और सी विपरीत शीर्ष है, यानी और एक बी और डी है। शीर्ष मतलब होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स दो अपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिलाते हैं, जो लाइन सेगमेंट मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अगर पेंटागन के बारे में देख लिया जाए, देखिए पेंटागन, पेंटागन में क्या होता है, पांच साइड इससे होते हैं, ए बी सी डी ई। जब किसी भी आकृति में चार पांच साइड होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? पेंटागन। तो अगर हम लोग पेंटागन के बारे में देखें, अगर मान लेते हैं ए बी सी डी है और ई है, तो इसके देखिए विपरीत कितने होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, यानी कि दो विपरीत है यहाँ पे, दो विपरीत मिले, ये दोनों विपरीत नहीं है, क्या है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब होता है बगलगीर, है ना, बगलगीर है यहाँ, तो ये इसके डायगोनल नहीं होंगे, इसके क्या होंगे? भुजा होंगे। ऐसे ही सबके होंगे, तो बहुत सी इसके डायगोनल नोट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, क्वाड्रिलेटर के बारे में जानना है, इसलिए हम पेंटागन को हटा रहे हैं, आइए हम लोग क्वाड्रिलेटर के बारे में जानते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम कितना होता है दोस्तों? स्टूडेंट, यानी 360 होता है। कितना होता है? अगर हम कहें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है, तो 360 होता है। यानी कि किसी भी चतुर्भुज के, चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो, उनके सभी कोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है? 360 होता है। इसका भी प्रूफ है, आराम से चाहें तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है और एक डायगोनल को बना दिया ए बी सी डी। अब देखिए, अगर प्रूफ करना चाहते हैं इसको, हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इसको हमने एक मान लिया, इसको दो मान लिया, इसको तीन मान लिया और इसको चार मान लिया, यानी कि दो ट्रायंगल में इसको हमने क्या कर दिया, बांट लिया। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। यानी कि हम इस ट्रायंगल में, अगर हम चले किस ट्रायंगल में, ए बी डी में, ए बी डी में, देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में अगर देखें तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी भी है तो इसके भी कोणों का योगफल क्या होगा, 180 ही होगा। अब ये इक्वेशन बना लेते हैं वन है, फिर हम लोग चलेंगे बी सी डी में, बी सी डी में, देखिए त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, बी सी डी में, यानी क्या होगा, कोण बी का मतलब क्या है यहाँ पे, टू है,
और सी का मतलब सी है, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, यानी कि कोण 2 को कोण सी को और कोण 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 180 मिलेगा। इसको हमने क्या बना लिया, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो बाएं लेफ्ट साइड में जो हमारा प्रूफ करना है वो आ जाएगा और राइट साइड में 360 आ रहा है। तो आइए ऐड करते हैं समीकरण, यानी कि समीकरण 1 प्लस 2 यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बाएं पक्ष को बाएं साइड में जोड़ते हैं और दाएं पक्ष को दाएं साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड को राइट साइड में जोड़ते हैं। देखिए एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मिल गया है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 प्लस 180, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया था, रीअरेंज कर दिया 1 2 3 4 ऐसे एंगल सी। तो अगर देखा जाए अगर एंगल 1 और एंगल 2 मिले क्या हो जा रहा है, एंगल बी हो जा रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 मिले क्या हो जा रहा है, एंगल बी हो जा रहा है। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हम लोग बी लिख सकते हैं आराम से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी। आप देखिए एंगल 3 और 4, एंगल 3 और 4 को जब ऐड कर रहे हैं क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, यानी एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360। यानी कि इसको अच्छे से अगर लिख दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यानी कि हमारा यह प्रूफ हो गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हम लोग सम करेंगे, यानी कहने का मतलब ये, अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो उनके सभी कोणों का योगफल क्या होगा, 360 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल जो होता है उनके साइडों के आधार पे कई प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम कहते हैं इसे इंग्लिश में, पैरेललोग्राम इसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम, यानी इसको देखा है तो कह सकते हैं पैरेललोग्राम, यानी किसे कहते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है पैरेललोग्राम। आइए देखते हैं, ये भी चार ही को पैर होगा, ऐसा भी कितना होगा, चार ही पैर होगा, कैसे होगा, देखिए चार ही पैर का मतलब चार ही साइड होगा। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड यानी कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं तो वो कहलाते हैं पैरेललोग्राम। यानी कि ये जो अगर हम फिगर बनाए हैं इसको हम लोग देखें, ए बी सी डी अगर ये इसके पैरेलल हो और पैरेलल मतलब क्या, ए बी जो होगा डी सी के पैरेलल होगा और ए बी जो होगा डी सी के बराबर होगा, इतने से ही हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बता दिया जाता है कि ए बी बराबर होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए, कहीं पर भी अगर खाली इतना लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि वो पैरेललोग्राम है। यानी कि एक चीज और देता है, एडी पैरेलल होता है बीसी के और एडी जो होता है बराबर होता है बीसी के, केवल एक दिया होगा तो भी पैरेललोग्राम होगा, दो दिया होगा तो होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल मीन बिकर, डायगोनल जो होते हैं इसको समद्विभाजित करते हैं, पैरेललोग्राम के जो विकर्ण होते हैं उनको समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर भागों में आपस में बांट देते हैं। इसका मतलब अगर ए सी क्या हो 10 होगा तो 5-5 उसमें बढ़ जाएगा, अगर बी डी क्या होगा 8 होगा तो 4-4 में बढ़ जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये हो गई, दोनों की डायगोनल बराबर नहीं होती है। तो देखिए हम क्या हो रहा था कि अगर ये पैरेलल हो और बराबर होगा तो ये पैरेललोग्राम होगा, डायगोनल इनके बराबर नहीं होते हैं, डायगोनल इनको बाइसेक्ट करते हैं यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं, और एक चीज और होता है इनके जो डायगोनल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ये ट्रायंगल जो है अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी सी जो होगा ए डी सी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि जो डायगोनल होते हैं विकर्ण होते हैं पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटते हैं, ये एक प्रॉपर्टी हो गई।
अब ये हो गया पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम की चारों भुजाएं बराबर कर दी जाए, क्या कर दी जाए, अगर पैरेललोग्राम की सेम प्रॉपर्टी हो इसकी, अगर हम लोग इसकी क्या कर दें, अगर इसकी चारों भुजाओं को यानी चारों साइडों को अगर हम लोग बराबर कर दें, क्या कर दें, बराबर, बराबर तो सभी इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए, अगर चारों साइड इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रोम्बस होगा, क्या होगा, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, देखिए क्या होता है, रोम्बस यानी किसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, समचतुर्भुज, क्या होता है, समचतुर्भुज, क्या होता है, समचतुर्भुज, यानी जब किसी भी पैरेललोग्राम के सभी साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समचतुर्भुज कहलाते हैं। अब इसकी भी प्रॉपर्टी होगी जिस तरह से पैरेललोग्राम की है, तो इसके जो डायगोनल होते हैं बराबर नहीं होते हैं, इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इससे थोड़ा ये ज्यादा एक्स्ट्रा होता है। कैसे एक्स्ट्रा होता है जी, देखिए इसके जो डायगोनल होते हैं विकर्ण होते हैं, यहाँ पर समद्विभाजित बस करते हैं, यहाँ पर समद्विभाजित करने के साथ साथ 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को, यानी कि ये कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रोम्बस के विकर्ण होते हैं इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम से थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। पैरेललोग्राम में क्या था, केवल बाइसेक्ट कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए थोड़ा ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। डायगोनल दोनों के बराबर नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, सभी साइड बराबर होते हैं और सब प्रॉपर्टी इसी क्या होता है। कोई भी रोम्बस, कोई रोम्बस क्या हो, रोम्बस, रोम्बस अगर क्या हो जाए, रोम्बस के सभी कोण बराबर हो जाए, रोम्बस मान लीजिए रोम्बस बनाए थे मिटा दिए हैं, रोम्बस के सभी कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। रोम्बस मतलब क्या है, रोम्बस मतलब क्या होता है, सभी साइड बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं, यानी कि अगर कोई भी रोम्बस हो उसके सभी कोण 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, सभी कोण 90 डिग्री हो जाए, तो वही क्या कहलाते हैं, वर्ग यानी कि स्क्वायर कहलाते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्क्वायर कहते हैं। मतलब जब कोई भी रोम्बस क्या हो जाए कि सभी कोण 90 डिग्री हो जाए तो क्या कहलाते हैं, स्क्वायर कहलाते हैं। और इसके जो इतने रोम्बस से ही बढ़ गए हैं, रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं था लेकिन स्क्वायर में क्या है, डायगोनल बराबर होता है, एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि पैरेललोग्राम में हाँ क्या था, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, रोम्बस में बराबर नहीं होते हैं लेकिन स्क्वायर में क्या होते हैं, डायगोनल बराबर होते हैं, और एक दूसरे को ये भी 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और ये भी क्या करते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटते हैं, कौन बांटते हैं, इनके डायगोनल, यानी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं इनके दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करते हैं, बांटते हैं। ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का यानी समांतर चतुर्भुज के सभी कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं, यानी क्या होता है, ये कोण 90 हो गया, ये कोण 90 हो गया, ये कोण 90 हो गया और ये कोण भी 90 हो गया, तो ये क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, यानी कि इसके भी क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, जिस प्रकार से स्क्वायर के विकर्ण बराबर होते हैं उसी प्रकार से आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं, और ये भी इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अब ये बात हो गया चार चार टाइप से। पांचवा टाइप क्या हुआ, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के केवल और केवल एक ही साइड क्या हो, पैरेलल हो, पेयर ऑफ वन साइड अगर पैरेलल होता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं, है ना, ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक ही पेयर ऑफ साइड बराबर होते हैं तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं, इनके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा थोड़ा और जान लेते हैं, जब ये दोनों बराबर जाए इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलस ट्रेपेजियम कहते हैं।
कैसे भाई? देखिए अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल तो होगा ही होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल इन द सेंस बराबर नहीं होगा, पैरेलल बस होगा, ठीक है, यानी ए बी जो होगा खाली इसके पैरेलल होगा, बराबर नहीं होगा। जैसे ही बराबर होगा वैसे क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रेपेजियम ही पैरेललोग्राम होता है, कब? जब इनके आमने सामने की केवल एक साइड पैरेलल होते हैं, वो बराबर हो जाए तो, इसलिए ये केवल और केवल ट्रेपेजियम होगा, ना कि पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए ये दोनों अगर बराबर हो जाएं, इसे हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहते हैं, कहते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। अब एक और बच रहा है आप लोगों का, काइट। क्या होता है काइट? काइट क्या होता है? देखिए काइट हम उसे कहते हैं जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार हो, जब कोई क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार हो, जब कोई क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार हो कि उनकी एडजेसेंट साइड बराबर हो, तो उसे हम लोग काइट कहते हैं। जैसे कि आप लोग पतंग उड़ाते होंगे, देखे भी होंगे, ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों बराबर होता है, यानी कि अगर देखिए हम लोग यहाँ से बनाए ए बी सी डी, तो क्या होगा, ए बी जो होगा बी सी के बराबर होगा और ए डी जो होगा बी सी के बराबर होगा, ये क्या कहलाएगा, काइट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप हो गए। अब हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में क्या जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी जो भी होती है वो जानेंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।